रेस मार मार का गोटे खराब हो लिया, कई साल हो लिया आर्मी की भर्ती नहीं आ रही। अगर मोदी साहब मेरी बात सुन रहे हो बस भर्ती काट दो। हाल चाल तो 3 साल तो कुछ हो ही नहीं रहा, चूरन हो रहा मामला कुछ भी नहीं है। जितनी मेहनत सरकार रोड पर कर रही इन पर कहीं हाईवे चढ़वा दे, कहीं पुल चढ़वा दे, इतनी मेहनत युवा पर करो ना। और एज हो गया मैंने माना, कहीं यार ना आत्महत्या कर ली। अभी हम मौजूद हैं लाल किले के गेट नंबर, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पे, और हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो भाई हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, किस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं भाई? मैं एथलेटिक, मैं 100-200 प्रैक्टिस करूँ जवाहरलाल नेहरू में। लेकिन अगर बेरोजगारी की बात देखी जाए तो भाई बहुत ज़्यादा हो रही बेरोजगारी। हाँ क्या अभी आपने कुछ एक चीज़ बोल रहे थे आप, कैसे कैसे आपके साथ हुआ बताइए? हमारी यूपी में तो ज़्यादातर जिसने जो हुआ है हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे, उनमें से कितने ही जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते खुद ही ग्राउंड पे गांव के, उन्होंने 2-3 ने तो अपनी फंसी खा ली खुद की भाई भर्ती की वजह से। यही प्रॉब्लम चल रही है। बेरोजगारी के क्या आलम है अभी उत्तर प्रदेश में? आपके यहाँ नहीं भाई, आपके रोजगार है? रोजगार है आपके यहाँ? रोजगार नहीं है। नहीं है, नहीं है। भाई बोल दे क्यों नहीं फिर? अरे बोल देना, अगर ना बोलोगे भाई ना समस्या बताओगे तो कैसे मिलेगा? अरे भाई इधर करो। अरे भाई बहुत बेरोजगारी है, हमसे बात कीजिए ना, बहुत बेरोजगारी है। ये सरकार जब चाहिए ना, ना ही तो कोई युवा लोगों को कोई। कौन सी सरकार? दिल्ली की नहीं, बिहार में हमारा सरकार है। कौन सा है? कौन सा स्टेट? बिहार में बेतिया जिला है। जब से आया है ना बिहार का क्या बात करूँ, पूरा मतलब इंडिया में बेरोजगारी है जी। बेरोजगारी का लेवल 0% हो गया है, समझ लीजिए कि इतना लेवल गिर चुका है बेरोजगारी का। खड़े होकर बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए हमारा घर बिहार है। हाँ। उधर काम नहीं मिल रहा है। हाँ। इधर हम लोग अभी दिल्ली में आए हुए हैं, और इधर क्या है देखिए, हम कल सुबह मतलब ये बेरोजगारी तो इधर भी बराबर है। आज सुबह में आए हुए हैं हम। हाँ। अभी आज सुबह से भूखे हैं हम। अभी इधर ना कोई होटल है ना कुछ है, अभी प्राइवेट होटल में खाना खाएंगे। हाँ। प्राइवेट होटल में खाना खाएंगे। होटल की आपको बता देता हूँ। हाँ। आप इस टाइम खड़े हैं लाल किले के सामने, आप 200 मीटर सीधे जाइए, आपको गुरुद्वारा मिलेगा और आप खाना खा सकते हैं भाई साहब। ठीक है भाई। हाँ भाई, ये भाई बोल रहे हैं, बताइए भाई। पहले दिल्ली में पानी फ्री मिला था। हाँ ठीक है। अब जब पानी फ्री नहीं मिलता, 2 रुपए का 3 रुपए का, पीने के पानी की समस्या है। हम सुबह तो मोल लेकर 3,000 का तो पानी पी दिया, हमने 10 जने हम 3,000 का भैया पानी पी गए भाई, 10 जने। तो यार अगर देखा जाए दिल्ली में भी, क्योंकि तो यहाँ लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जो अभी हमने बात की लोगों से, तो कोरोना के कारण समस्या उन्हें भी आ रही है, और बेरोजगारी की जो समस्या है लगातार वहाँ भी बनी हुई है। मैं तो कहूँगा मगा भर्ती कटवा दो, यहाँ रेस मार मार का गोटे खराब हो लिया, कई साल हो लिया आर्मी की भर्ती नहीं आ रही। अगर मोदी साहब मेरी बात सुन रहे हो बस भर्ती काट दो, ये जाकर तो ओवर एज हो गया मैंने माना, कहीं यहाँ ना आत्महत्या कर ली। कहाँ पे भाई? शामली जिले में, यूपी शामली जिला। नाम 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 बताओगे कुछ के जिन लोगों ने आत्महत्या की? बस नाम नाम नहीं, नूनी में नाम नहीं करते, जो काट दिया काम काट जान दो से तो सही होगे। तो किस कारण, वो जो सिर्फ भर्ती ना निकलने की वजह से? आर्मी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, ओवरएज हो गए, ओवरएज होने के चक्कर में जब 3 साल ले लिया भर्ती नहीं आई, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली भाई साहब। बाकी बताऊं आप भी करते हो भर्ती? लग नहीं रहा, मैं तुझे लग रहा भाई, लग डाउट लग रहा था नहीं भाई, डाउट कोई नहीं भाई, बता क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, के लग रहे भर्ती के हाल चाल? हाल चाल तो 3 साल तो कुछ हो ही नहीं रहा, चूरन हो रहा मामला कुछ भी नहीं है। 10 बीघे में दाना था वो भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ भाई मैं इधर बैठ जाता हूँ यार, बैठ के बात करते हैं। हाँ भाई, आपका जो हमारे खेतों में नाज था नहीं, पहले 4 क्विंटल का लिगड़ जाता, अबे 2.5 का लिगड़ा, वो भी कम होगा। पानी नहीं मिला खेतों को? पानी मिला, सारी चीज मिली, जब लोग जब हमारा लॉकडाउन लग रहा तो अपना आप लग जाएगा। बता भाई, ये कह रहे कि खेतों में भी लॉकडाउन लग रहा है? सही कह रहा है, बात इस बात को बिजली भी नहीं मिली। हाँ उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं, समस्या सारी समस्या है। योगी सरकार ठीक नहीं है? सरकार भी बहुत बढ़िया है, सरकार तो बढ़िया, पर जो बेजगोरी करने वाले प्रधान है ना, ये बेकार है।
छोटे छोटे गांव के। हाँ जान गया तू सारी बात को। सही कह रहा भाई। तो भाई क्या आपके जो गांव के प्रधान है किस तरह की समस्याएं हो रही? प्रधान से जाकर पूछ का भाई। तो मेरे तो गांव तेरे गांव को प्रधान है कि नहीं है? मेरे गांव को तो है नहीं भाई, समस्या किसे बताऊंगी भाई। प्रधान मैंने घर उसके जाकर देखा नहीं भाई, तुम गाँव के पता करो। मेरी सुन बात, प्रधान तो है बढ़िया वो, पर बेचारा गेट बैद कर जा वो बत्तों माजा किसी की। सरकार सबसे बढ़िया, ठीक ना, चोरी रही ना जारी रही, ठीक है भाई, ना डकैती रही, कोई किस तरह रह लो भाई, अब भर्ती नहीं आ रही। लेकिन अगर देखा जाए कि ये सारे के सारे जो है सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या है मुख्य समस्या है रोजगारी की, मुख्य समस्या है कि जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, 3 से 4 साल से लगातार भर्तियां मार रहे हैं, उसकी भर्ती नहीं निकल पा रही, वैकेंसी नहीं निकल पा रही जॉब की, चाहे वो पुलिस की हो चाहे आर्मी की हो। भाई जितनी मेहनत सरकार रोड पर कर रही, इन पर कहीं हाईवे चढ़वा दे कहीं पुल चढ़वा दे, इतनी मेहनत युवा पर करो ना। हाँ। देश में तरक्की भी आओगी। बिल्कुल, तो जैसा आप देख सकते हैं ये सभी युवा जो हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के हैं, सभी भाई शामली से हैं और ये परेशान हैं बेरोजगारी की वजह से, परेशान हैं आर्मी की भर्ती ना निकलने की वजह से, परेशान हैं पुलिस की भर्ती ना निकलने की वजह से। अब इन सभी के सामने जो समस्याएं बेरोजगारी की हैं वो ना केवल एक जिले की बात है, वो बात पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की है और लगभग पूरे देश के हालात इसी प्रकार से बने हुए हैं।